जो जंक्शन है उसके ठीक बगल में आश्रय स्थल है, और आश्रय स्थल में सरकार की क्या क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है। जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी हम हैं मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के हो रहा है 9:30 बजे हम रात्रि को यह आश्रय स्थल में जा रहे हैं। चलिए अंदर एंट्री करते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ एंट्री जो हो रही है इस आश्रय स्थल में। आप क्या हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं? नाइट गार्ड है। नाइट गार्ड है, हाँ। अच्छा, यहाँ क्या क्या सुविधा है? यहाँ बेड सोने का सुविधा है, मच्छरदानी है। अच्छा, कम्बल है। कम्बल है जी। अच्छा, और शौचालय का सारा व्यवस्था है। अच्छा, जो लोग आए हुए हैं उन लोगों का आधार कार्ड ले रहे हैं? आधार कार्ड का फोटो स्टेट। आधार कार्ड का फोटो स्टेट, फोटो स्टेट, एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट चाहिए कोई। अच्छा, जो यहाँ लोग है ठहरे हुए आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए बेड है, ये बेड पे लोग सोए हुए हैं, और यहाँ देख सकते हैं बेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर पे भी देख सकते हैं आप 3 इधर है, यानी 9 बेड यहाँ पे व्यवस्था है। और 9 बेड में लोगों की सुविधा क्या क्या है? लोगों की सुविधा में यहीं पे है बुआ। हाँ, कहाँ रहता है तू? बनारस से। कहाँ रहते हैं? बनारस। बनारस, अच्छा बनारस से हैं। अच्छा, सोने का व्यवस्था है ठीक ठाक? ठीक है। ठीक है, क्या आप भी सोए हुए हैं? अब यहाँ भी सोए हुए हैं। सोए हुए हैं, यहाँ कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी से हैं। मधुबनी से। हाँ। सोने का व्यवस्था ठीक है? हाँ, सब मस्त है, सब व्यवस्था नगर निगम की ओर से सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है। यहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ खाने का व्यवस्था नहीं है ना? खाने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। रहने के लिए जगह मिल गया, यही बहुत है ना? बहुत है। अरे, हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के रहने के लिए क्या बहुत है। सरकार के लिए तो इतना कर रहा है, बहुत कर रहा है। सरकार कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा है उनकी पहल। हाँ, नगर निगम की बहुत अच्छी पहल यहाँ। अच्छा, साफ सफाई भी ठीक ठाक है यहाँ? सारा चीज़ अच्छा है, और हमको नहीं लगता कि बिहार में मुजफ्फरपुर से अच्छा कोई जगह है। अच्छा, रहने के मामला में अगर नगर निगम की ओर से जानते हैं, रैन बसेरे में ऐसे लोग रहते हैं जो कहीं दूर दराज से आए हैं, या असहाय लोग हैं जिनको रहने का कोई जगह नहीं है, ठहरने का कोई जगह नहीं है, तो वह रैन बसेरा आश्रय स्थल में आकर और वह रह सकता है। यहाँ तो खाने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो भी हम जानेंगे कि यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं है, उस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सोए हुए लोग हैं, क्या सोने उने में तकलीफ तो नहीं है? एक नंबर का ठीक है, सबसे बढ़िया जगह है यहाँ। सबसे बढ़िया जगह, एकदम एक नंबर। खुश हैं? एकदम खुश हैं। सरकार को क्या कहिएगा कि जो व्यवस्था किए हुए है सरकार, इस पे क्या कहिएगा? और सब व्यवस्था हर जगह होना चाहिए बिहार में पूरी। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया जगह है। अच्छा, सोने उने रहने लायक एकदम बढ़िया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा एक और रहा, सवाल यह रहा कि यहाँ खाने का व्यवस्था है या नहीं। आप लोग बाहर से खा के आए हैं क्या? हाँ, बाहर से खा के आए, पर बिहार जो है यहाँ पे मतलब खाने का व्यवस्था ठीक ही है, मतलब कि जितना रेट नगर निगम है उतना रेट होटल में भी यहाँ खिला देता है, तो कोई दिक्कत नहीं खाने का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो रैन बसेरा है उसमें खाने का व्यवस्था कराई जाती है, यहाँ पे अभी वो व्यवस्था नहीं है। वो क्या खाना बाहर से खा के आए ना? हाँ, हम लोग बाहर से खा के आए हैं, पर उसके लिए कोई अथी नहीं है, लेकिन इतना है बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं मतलब चाहिए हम लोग को खाना वाना वो सब। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है, सवाल बनता है कि रैन बसेरे में जो होता है खाना पीना मिलता है, लेकिन यहाँ खाना पीना की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे नाइट गार्ड उपलब्ध है, मैं इनसे जानूंगा कि खाना की व्यवस्था क्यों नहीं है। सर, पहले खाना का था व्यवस्था, जो नगर निगम जो बना था नाला, अच्छा, तो किचन टूट गया। अच्छा, इसलिए 6 महीना 5 महीना पहले खाना था यहाँ पे, किचन की वजह से अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, 35 रुपये में था थाली भरपेट। भरपेट जी। लेकिन अभी सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाएगा? अभी तो बोले हुए, क्या आप लोग कोई कंप्लेन किए हैं? हाँ, वो किया गया, मतलब कंप्लेन किया गया जी, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। अब थोड़ा टाइम लगेगा सर, हो ही जाएगा कुछ।